खैर आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रेखा पाल। असम इन दिनों बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। असम के 32 जिलों के कम से कम 5,424 गांव बाढ़ में घिरे हैं। लोगों को 538 राहत शिविरों में ठहराया गया है। इसी बीच असम में बाढ़ में फंसे एक परिवार को असम राइफल्स के जवानों ने बचाया। असम राइफल्स के जवानों के प्रति इस परिवार ने आभार जताया। बच्चे की मां ने कहा कि अगर असम राइफल्स के जवान नहीं होते तो वे लोग जीवित नहीं रह पाते। महिला ने जवानों को दुआएं भी दी। आप लोग नहीं होते तो हम लोग जैसे बहुत मुश्किल में पास जाता है। बहुत हेल्प किए और हम भी दुआ करते हैं हमारा बेटा कभी कभी फौजी बने ये भी हम कोशिश करेंगे। अभी तो जन्म हुआ है और अभी तो शुरू हुआ है। हाँ ये टोपी आज मैंने पहना दी है। ठीक है सर, अल्लाह करे सबके भला हो सर, लोगों के भी बहुत अल्लाह करे सर, लोगों को भी भला हो। वहीं असम के नलबाड़ी जिले में बाढ़ के कारण दो मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते पानी में डूब गया। यह पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग थी जिसे खाली करा लिया गया था। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बारपेटा, कछार, दरांग, करीमगंज और मोरीगांव जिलों के कुछ इलाकों में चारों बच्चों सहित 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 अन्य जिलों में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भवानीपुर इलाके के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बजली में चारलपारा नया पारा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। राज्य के कई जिलों में लाखों लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। इस दौरान कई नागरिकों की जान चली गई। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्हें अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में या फिर हाईवे पर टेंट लगाकर भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है। हर दिन मकान डूबने, गाड़ियों के बह जाने और लोगों के फंसे होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और सिक्किम में बारिश के आसार बने हुए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।